हेलो गाइज अतुल मो सहित साथी अच्छा मिस्टर साई नमस्कार भद्रक स्टार क्रिकेटर चैनल तरफ आपण मानक स्वागत फास्ट गोटे कथा कह कि आमर फास्ट या पूर्व गोटे लाइव चलता लाडेन सहित तो किसी जांत्रिक त्रुटिपाई आम लाइव टी अधारू कटि जाइला तो से आम क्षमा प्रार्थना मागुचु तो बर्तमान आम सेम प्लेयर लाडेन पाखक पुणी आम नहींजु तो से आमको फास्ट रू बहुत बहुमूल्य टाइम आमको तो से मुझे सरी मानते क्षमा प्रार्थना मागुचु आवाक चाहूँ कि बर्तमान से ही प्लेयर आम सहित बहुमूल्य समय देवे निजे मनस्थ करें बर्तमान कल लगेबू और से आम सहित लाइव रे कथा है मेरे साथ बोल रहे थे मेरा साथी अतुल। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब करो और उसके साथ आप नोटिफिकेशन ऑन करो और जितना भी वीडियो डाला हुआ है उसको देखो शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ और हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट दो। और अभी हम कॉल करेंगे लाडेन को और पहले तो हम टेक्निकल इशू की वजह से उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बाद में हम उनको कॉल किए हैं और वो कुछ टाइम और देने के लिए राजी हुए हैं हमारे साथ, इसके साथ हम उनको कॉल लगाते हैं। ठीक अच्छे आओ लाडेन आमर टार्गेट थी कि आम राइट चार लाइव आणबू लाडेन को कितना लाडेन तर पांचटू खेल मनस्थ निजे कर तो आम से साढ़े तीन टे लाइव आणबू तो ठीक अच्छे आम बर्तमान लाइव को आने लाडेन को लाडेन टे नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छे तो कॉलटा लाइक टे वेट करवाक पड़ सरी कौन अभी थोड़ा वो बिजी है लाडेन तो आ रहे हैं अभी लाइन और उसके साथ उनके बारे में हम थोड़ा सा बात किए थे और पूछे थे कि आपका ये जो सफ़र कैसा रहा था और वो भी बहुत मिसिंग है और सब कुछ बता रहे थे उनके साथ कैसे वो क्रिकेट में सब बैठ किए बाद में कितने साल से जड़े भल ऑलराउंडर मानने भद्रक जड़े भल ऑलराउंडर खाली भद्रक कहले हेनी भद्रक बाहर भी लाडेन ना बहुत मानने ना से बहुत कर सारी लाडेन बहुत कम एज से बहुत ना कर सारे एपर्तंत आगे खेल आपने जो मैंने भी देखी थे सी मैंने जाणी थे कि लाडेन को भाया खेलती भल बोलींग भल बैटिंग करती से खूब शीघ्र आम लाइफ जॉन होती टी व्यस्त अच्छा से आम आपण को सरी मागुच टे लाडेन पहले से हम लोगों को वर्क दे चुके थे, वो थोड़ा सा बिजी पर्सन है क्योंकि वो प्रैक्टिस उनका था उनका टाइम मेंटेन रहता है इसीलिए शायद वो थोड़ा सा अभी बिजी हैं, आएंगे तीन चार मिनट या पाँच मिनट लगेगा लाइव में। मैंने भी अभी लाइव से जो लाडेन आम सहित जोग देते कि सी
ତାପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଅଧାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ସରି ମାଗୁଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଛୁ। ଅଭି ତ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେ ଟାଇମ୍ ହୋ ରହା ହେ, ବୋଲ ରହେ ଥେ କି ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍ ନେଇ ଦେ ସକତା ହୁଁ, ଥୋଡ଼ା ସା ହି ଟାଇମ୍ ଦଉଁ ନା। ହମ ବୋଲେ ଉନକୋ ଠିକ୍ ହେ, ଜିତନା ଟାଇମ୍ ଆପସେ ହୋ ସକତା ଆପ ଦିଜିଏ। बोल रहे थे कि अभी आ रहे हैं, उनको कॉल किया था। क्रिकेट एक मजेदार खेल है और क्रिकेट में तो ठीक अच्छे। वर्तमान आम लाडेन को आम लाइव को आने ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଢେର ସାରା ମାନେ କଥା ଗପସପ୍ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ଯା ହଉ ମୁଁ ଲାଡେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ କରିବି, ଲାଇଭ୍କୁ ଆଣିବି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରି ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଲାଇଫ୍ ଟି ଅଧାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଟି ଅଧାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବହୁତ ରାଗି କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କେତେ ବାଟ? ଏଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆଡ ପାଖାପାଖି ହବ। ଗାଡି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନା ସାଇକେଲ ରେ? ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଛି।
ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ, ତ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେତୁ ଆମ ଲାଇଟ ଟି ଅଧାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ତ ଆମେ ସେଇ କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କି ଆପଣ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିତେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ, ଏଇ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଟିକୁ ମାନେ ଖେଳିବି, ସେଇଟା ତା ପ୍ରତି କିଛି କିଛି କହିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କୁ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଥିବ, ସେଇଟା ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପରେ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିବ କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ଏଇ ଏମ୍ ଟି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମାନେ କ୍ରିକେଟ ତ ଅଧିକ ଆମ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଗେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମୋର ବି ମାନେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗେମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟ, ତାପରେ ହବ ଫୁଟବଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ କୁ ବେଶୀ ଲାଇକ କରେ, ଫୁଟବଲ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରିକେଟ କୁ ବେଶୀ ଲାଇକ କରେ। ଆଉ ଖେଳ ତ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି, 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେନିସ ବଲ୍ ହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳିଲି, ପୁଣି ଏବେ ଟେନିସ ଖେଳୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ଖେଳିବି, ସେଟା ଟାଇମ କହିବ। तो ठीक है, अभी ग्राउंड में आपका कितने आपका कोच आते हैं डेली प्रैक्टिस कराने के लिए? नहीं अभी तो मतलब कोच नहीं आते हैं, अभी मतलब शाम को फुटबॉल खेलने के लिए सारे लड़के आते हैं, सुबह मतलब जब आता हूँ ग्राउंड में तब सीनियर प्लेयर आते हैं 2-3। कोच तो यहाँ मतलब हमारा एक जो टाउन का ग्राउंड है वहाँ पर एक कोच है, मतलब कोच सर है ज्ञान सर, वहाँ मतलब आते हैं, यहाँ सब सारे सीनियर प्लेयर ही आते हैं। तो सीनियर प्लेयर आपको बताते हैं, सारे बताते होंगे कि ऐसा खेलना चाहिए, ये सेट ऐसा नहीं, इस पर पे ऐसा मारा जाता है, मिलता होगा। सारे सीनियर प्लेयर सिखाते हैं, मतलब जो नए नए लड़के आते हैं जिनको मतलब क्रिकेट ड्यूज का क्रिकेट जो नए खेलने आते हैं उनको सारे सिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, मतलब के पहले कैसे पहले ऑन रैम खिलाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े करके मतलब जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से सिखाते हैं। किसी को देख के आपको ऐसा लगा आपका बचपन का याद आया, मैं इतना बड़ा था मेरे से खेल रहा था, किसी बच्चे को देख के फील हुआ? मतलब मैं एक मतलब बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ड्यूज बॉल खेलने गया था तब मतलब मेरे तब मेरा +2 चल रहा था, तब मतलब मैं थोड़ा बड़ा मतलब 16-17 साल का था, तब मतलब मैं जाके देखा कि छोटे छोटे लड़के आ रहे हैं, मैं भी सोचा मैं क्यों नहीं आया उस टाइम पे, मतलब वो तो मतलब वो छोटे बच्चे को देखकर मतलब ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मतलब बेहतर खेल रहे हैं मेरे से। मैं उस टाइम मतलब 17 साल का था, फिर भी मतलब 5-6 साल का लड़के मतलब ऐसे खेल रहे जैसे आपको लगेगा, मतलब टीवी में जैसे शॉट देख रहे हो ना, कवर ड्राइव, बैट फुट पॉन्च, सारे मतलब अच्छे शॉट वो खेल रहे थे। तब मतलब मैं सोचा कि मैं इतने लेट में क्यों आया, फिर मतलब थोड़े थोड़े करके मतलब सर सर ने मतलब मुझे नहीं सिखाया, और सीनियर प्लेयर ने थोड़े थोड़े करके जो भी है मतलब सिखाया, फिर उसके बाद मतलब 1 साल तक मैंने कंटिन्यू किया ड्यूज का क्रिकेट, मतलब 1 साल लगातार ड्यूज का मतलब सीखने के लिए गया, फिर उसके बाद मतलब जो कॉलेज का मैच हुआ उसमें गया था खेलने के लिए, और ड्यूज का काफी टूर्नामेंट जो होता है बड़ा बड़ा टूर्नामेंट वो सब गया, 2-3 साल ड्यूज क्रिकेट खेला। हेलो, ये आवाज नहीं आ रहा। आपका सीनियर ज्यादातर कौन नहीं
यहाँ पर एक मतलब लेफ्टी का एक बैट्समैन है अमिन इकबाल, वो मतलब काफी अच्छे खेलते हैं, मतलब पूरा ओडिशा में देख लो उनके तरह लेफ्टी बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा पूरे ओडिशा में, मतलब जितने भी मतलब वो रणजी नहीं खेल रहे हैं लेकिन मतलब सारे जो काबिलियत है उनके पास है, मतलब रणजी खेलने के लिए वो अमिन इकबाल ही है, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर, मतलब आप उनको देखोगे तो लगेगा कि खुद युवराज सिंह आकर मतलब यहाँ पर बैटिंग कर रहा है। ରାଜନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛେ ମୁଁ ବି ରଞ୍ଜି ଖେଳିବି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି ସେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ହିଁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ମୁଁ ବି ସେଭଳିଆ ମାନେ ଭାବିଥିଲି କି ହଁ ମୁଁ କିଛି ଖେଳିକି ଆମ ମାନେ ଗାଁର କି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କରିବି। ସେଇଟା କଣ ହେଲା କି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ନା ନିଜ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଗୋଡର ଇଞ୍ଜୁରୀ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଖେଳୁଥିଲି ମୋ ଗୋଡ ମାନେ ପୁରା ସିଭିୟର ସେ ଆଙ୍କେଲ ମୋଡି ହେଇକି ପୁରା ମାନେ 6 ମାସ 7 ମାସ ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ମାନେ କଲି, ସେବେଠୁ ଟିକେ ମାନେ କଣ କହୁଛ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଜଏନ କରିପାରିଲିନି, ତାପରେ ଖେଳ ମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ରିକଭର ହେଲା ଖେଳିଲି, ତାପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସେଭଳିଆ ନେଇକି ମୁଁ ଡିଉସ ପୁରା ଛାଡି ଦେଇଛି, କେବେ ବି ମାନେ ଖେଳିବି ପୁଣି ଇଏ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ନଥିଲା ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ସିଏ ମାନେ କଥାଟିକୁ ଠିକ ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ, ସେ ଯିଏ କହୁନା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ହସି ଦିଏ, ସେ ହସିବାର ରହସ୍ୟ କଣ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ହିଁ ମତେ ଯିଏ ପାଟି କଲେ ବି ମୁଁ ହସି ଦିଏ, ମାନେ ରାଗରେ ଥିଲେ ବି ହସେ ଖାଲିରେ ବି ସେଭଳିଆ ବି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର କଣ କହିବି ଆଉ। मैं बात पूछना चाहता हूँ आपसे, तो क्रिकेट जब आप खेल से पहले आपको कुछ सपना होगा, हर क्रिकेट का हर क्रिकेटर का होता है, चाहे वो गली से उठ कर हो इंटरनेशनल का हो जहाँ भी, आपने जब खेलना शुरू कर रहे थे उससे पहले आपका कुछ भी सपना होगा मैं ऐसा खेलूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी ना कभी खेलूंगा कभी तो रणजी भी खेलूंगा, आपका कुछ सपना होगा, तो क्रिकेट खेलने से पहले वो आपका क्या क्या था वो थोड़ा सा बताएंगे। मतलब जब मैं छोटा था तब मेरा मतलब ग्राउंड में एक टूर्नामेंट होता है, मतलब बहुत बड़ा टूर्नामेंट क्या बताऊं, मतलब जब हम छोटे छोटे वहां पर मतलब बॉल वो सब जब अच्छे प्लेयर रणजी का प्लेयर आते हैं जो बॉल बाहर सिक्स मारते हैं हम लोग उठा कर देते हैं, मतलब वॉलंटियर टाइप का कुछ काम करते थे, तब से मतलब मैं सोचा कि मतलब मैं भी कैसे इस तरह से खेलू कि मतलब अपना ग्राउंड में जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है मतलब वही टूर्नामेंट मुझे खेलना है, मतलब वही सोच लेकर मतलब मैंने ड्यूज का ज्वाइन किया, फिर मतलब एक दिन भी मेरा सपना साकार हो गया, खेला दो तीन मतलब 3 साल से अभी खेल रहा हूँ वही टूर्नामेंट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब आप जब सोचोगे मतलब बड़ा सोचोगे तो मतलब आप इंडिया सोचोगे कि हाँ मैं इंडिया खेल लूंगा तब आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे। थोड़ा सा हवा ज्यादा आ रहा है इसीलिए नदी के किनारे, हाँ नदी का किनारा बैठा हूँ ना, मतलब हवा जोर से आती है। लड़न मु आउडे क्वेश्चन पचरे भी हम भद्रक रे सबुठ स्ट्रांग टीम हैला इमेज। हेलो हाँ कौन तो लड़न हम भद्रक रे सबुठारु स्ट्रांग टीम हैला इमेज, अगेन आपण डेब्यू कले इमेज रे
2021 रे फास्ट डेब्यू थिला तमोर ए मैच मैच रे जते बेले डेब्यू कले तमो जते बेले भी तमे इमेज डेब्यू कले फास्ट को के तो डेब्यू कले इमेज ना एमिति जे पर्सनली भलो खेली पारु तुम किछि सेति पे इमेज को माने आपन तो को प्लेयर तो हिसाब रे आपन एक्चुअली माने मु जब टेनिस खेली थी इमेज रे खेलिया पूर्वरु सीजन कथा कहूँ माने बहुत माने पांचटा पूर्व सात आठटा टूर्नामेंट रे मु बहुत भल परफॉर्मेंस करथिली एमिति कि माने चारिटा तीनटा चारटा पाखापाखि 50 आ जोडी भी बोलिंग करछि भल माने बोलिंग करथिली से मत से इमेज रो माने खेली नथिला भद्रक रे टूर्नामेंट जॉइन कर नथिला जेबे फास्ट टूर्नामेंट माने जॉइन करबा को अछि मते आकाशे कहले कि आ तो बडे इमेज रे बडे मैच के जाय आ खेलले के मते लागे तो हम से टूर्नामेंट ताउ पर सेते मु फास्ट ओटे टूर्नामेंट खेली थिली किंतु ओटे अलगा टीम पटु आ गोटे तापर इमेज पटु सही जगह रे आ गोटे टूर्नामेंट माने इमेज टीम ना रे खेली जा बेले बहुत सपोर्ट मिलला ऑडियंस कर ऑडियंस भी सेठी के से जानी थिले तापर हेते मोर परफॉर्मेंस बहुत भलो रहला माने 4 ओवर करली 3 रन दे 4टा विकेट नै सेते गोटे दुईटा मेडल नै आप जो आकाश पात्र जो बोलते हैं उनके साथ कहते हैं आपका परिचय कैसे रहेगा कि कोई मैच से परिचय होगा खेल में ही मतलब हो गया पहले शुरू हुआ मुझे और मैंने आसुनी ठीक है तो पूरा हवा आता है जगह को कौन जो आकाश उनका परिचय आपसे कैसे हुआ मैच में हुआ किसी से नंबर लेके नहीं मतलब क्या बोलूं ए 2-3 साल पहले मतलब मैंने उनको देखा था यहाँ पर एक जाजपुर में एक टूर्नामेंट होता है जाजपुर प्रीमियर लीग वो नाइट का टूर्नामेंट मतलब वो आते थे यहाँ पर मतलब तब मतलब वो जब आते थे यहाँ खेलने के लिए तब मतलब हमको चांस नहीं मिलता था वो टूर्नामेंट खेलने के लिए वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट नाइट का टूर्नामेंट होता था 30-40 हजार का विनर रहता था मतलब जाजपुर में मैं तभी देखा था आकाश भाई को और टीपू भी खेल रहा था इमरान भाई भी खेल रहे थे वो टूर्नामेंट 4 साल शायद हो गए मतलब वहीं से जाना था आकाश भाई एक भद्रक का खिलाड़ी है फिर मतलब एक दो मैच में मतलब मैंने अगेंस्ट में खेला फिर मतलब उन्होंने एक बार मतलब मुझे बुलाया और बोले कि तू यहाँ का सीधा डाल लेता ना बॉल मैंने कहा हाँ मैं सीधा डाल लेता हूँ वो बोले कि मतलब बालेश्वर और भद्रक में बहुत सीधा टूर्नामेंट हो रहा है डे नाइट में तो आएगा खेलने के लिए मैं बोला कि हाँ आऊंगा फिर मतलब पिछले साल गया था 2-3 नाइट मैच गया था उनके साथ फिर ऐसे ही करके 7-8 टूर्नामेंट गया था फिर मतलब इस साल जब शुरू हुआ तब से तो लेकर आखिर तक खेल रहे थे अभी फिलहाल आपके प्रैक्टिस के टाइम पर हम लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं नहीं
प्रैक्टिस नहीं, क्या है फुटबॉल खेलेंगे, थोड़ा जल्दी चले आया, मतलब शाम को 5 बजे आते हैं सारे लड़के, 5 बजे ही आते हैं। ଲାଡେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କି ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ କୋଉ ଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ଆୱାଜ ଆସୁନି ଆଉଥର କୋଶ୍ଚେନ୍। କହିଲି ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ବହୁତ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ? ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏବେ ଶୁଭିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୟା ବୋଲର ୟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର? ଏଜ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ କଣ୍ଡ୍ରି କି ହିଁ ଚଏସ୍ କରିବି ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ କଣ୍ଡ୍ରି ବେଷ୍ଟ ବୋଲର। ବୋଲର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା କାରଣ ସିଏ ମାନେ କଟରରେ ସବୁ ଶିଖିଛି, ଆଉଟ ସୁଇଙ୍ଗ ଇନ ସୁଇଙ୍ଗ ସବୁ ଶିଖିଛି ସିଏ, ମାନେ ଅଲ ଟାଇପ ଅଫ ଦି, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ କି ଭଲ ପକେଇ ପାରିବ, ରାଇଟ କି ଭଲ ପକେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଡ୍ୟୁଜବଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯିବା, କି ଡ୍ୟୁଜବଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳାଳି କିଏ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଜବଲ ପ୍ଲେୟାର, ମାନେ ଡ୍ୟୁଜବଲକୁ ଯଦି ଧରାଯିବ, ଡ୍ୟୁଜବଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି କିଏ? ସିଏ ତ ହେବେ, ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ସହ କେବେ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ଭଦ୍ରକ ନାଇଟ, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। आपके करियर में, आप जो पहले बोल रहे थे आपका टेनिस करियर से शुरू किए, ड्यूजबल बाद में खेले, बाद में आपके इंजरी से आप थोड़ा सा स्ट्रगल किए, बाद में ड्यूजबल को छोड़ के आपको टेनिस खेलना पड़ रहा है, अभी आगे कुछ ऐसा सोच है कि बाद में ड्यूज ही प्रैक्टिस करूंगा, ड्यूज में उसको प्रोफेशनल करूंगा, टेनिस छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, तब मतलब मैं जब ड्यूज खेल रहा था तब टेनिस का मतलब चार कुछ पता नहीं था, फिर जब इस साल खेला बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेला, तब लगा कि हाँ टेनिस का टूर्नामेंट भी मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, टेनिस में भी मतलब रेस्पेक्ट मिलता है और लोग भी देख रहे हैं, मतलब मैं सोच रहा था जब ड्यूज पहले खेल रहा था कि टेनिस में ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, फिर जब मैंने टेनिस खेला तो देखा बहुत मतलब लोग देख रहे हैं, टेनिस को भी मतलब लोग पसंद करते हैं, फिर इसीलिए मतलब मेरा अब मन नहीं किया कि एक साल तक फिर वापस ड्यूज खेलने के लिए, अभी तो खेलूंगा, मतलब इस साल तो ड्यूज खेलूंगा, ड्यूज का मतलब ड्यूज का क्लब मैच नहीं खेलूंगा, लेकिन ड्यूज का जो ट्रायल मैच होगा सिलेक्शन के लिए। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ ଉପରକୁ ଯିବି, ତ ମତେ କହିବେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କର କୋଉ ପ୍ଲେୟର? ହ୍ୟାଲୋ, ମାନେ ଆମ କୋଉ ପ୍ଲେୟର ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି?
पैसे भी बहुत सपोर्ट करे अने टिप्पू अच्छे रियाज भाई सब सपोर्ट करे ने हमर टीम के लिए भाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हेलो अभी आवाज मैं सुना कि टेनिस खेलने में थोड़ा सा टेनिस बॉल और ड्यूज बॉल में फर्क होता है। टेनिस खेलने से थोड़ा सा ड्यूज खेलने में प्रॉब्लम होता है। नहीं ये बात मतलब जो मतलब एक बात यह है कि जो टेनिस खेल लेगा वो ड्यूज में भी खेल सकता है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ड्यूज में क्या स्किड करके बॉल आता है और टेनिस में रुक के बॉल आता है और जो खेलने से टेनिस खेलने में थोड़ा सा वो क्या तकलीफ होता है, खेलने के बाद में जो टेनिस वो शॉट खराब हो जाता है। मैं थोड़ा सा नहीं सुना हूँ वो मतलब हाँ खराब तो मतलब कुछ कोच बोलते हैं कि अगर आप ड्यूज बॉल खेल रहे हो तो टेनिस बॉल मत खेलो क्योंकि आप शॉट वगैरह खराब हो जाते हैं, ये स्टैंडिंग का पोजीशन नहीं खराब हो जाता है। मतलब खराब वो तो खराब होगा ऐसे मतलब पहले क्या कटर नहीं था अभी कटर आ गया ना मतलब उस ग्रिप में आप नहीं खेल सकते पूरा अलग तरह का स्टांस और ग्रिप होना चाहिए। मतलब ये टेनिस खेलने के सीधा बॉल होगा तो मतलब ड्यूज के हिसाब से खेल सकते हैं टेनिस का होता है वो ड्यूज के स्टांस से खेल सकते हैं फिर से मतलब चेंज करने का जरूरत नहीं वही हिसाब से खेल सकते हैं लेकिन कटर में थोड़ा चेंज नहीं करोगे तो मतलब रन बना नहीं सकते ड्यूज के हिसाब से खेलेंगे तो। फिर और एक चीज बताना चाहूंगा कि वो टेनिस बॉल में कैसे भी कट होती है ना टेढ़ा जो कैसे कह सकते हैं कि वो ड्यूज बॉल में अगर पैड और थाई लगा लिया बाद में पीछे घूमने के लिए स्टैंडिंग का पोजीशन खराब हो जाता है। शॉट ज्यादातर गेंद बॉडी को लगने का डर भी रहता है सेफ्टी के लिए। आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है कट रहा है मैं आप लोगों को क्लियर पूछता हूँ। अरे ना मैं आप लोगों को क्लियर आसू हाँ आवाज ठीक कौन इतनी सुबह नहीं कोई भी बोल से नहीं कहले के आवाज से टिक्के बनने तो किसी अच्छी माने बस माने ये घर पर किसी भी अच्छी सही थे आराम से बस जा दो आप वॉइस ठीक है अच्छी बोलो घर तो नहीं टिक्के माने दूर रे से बड़ा टाइप ऑफ प्लेस नदी का किनारा है ना ज्यादातर हवा ज्यादा है आवाज ठीक से नहीं आ रहा है।
यहाँ पर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, काम चला लेते हैं। अभी यहाँ पे बराबर आए पेड़ के पास आया। हाँ बोलिए। हेलो, आप जाके करते हैं। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? से बिलोंग करते हैं, जासपुर से? कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मेरा घर जासपुर नहीं, भद्रक डिस्ट्रिक्ट, मतलब भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जाता है, लेकिन जासपुर के बहुत पास है। मतलब एक जगह वहां पर एक छत्तावर से, मतलब लेफ्ट जो टाउन के रास्ता है ना, वही पास में पड़ता है मेरा गांव। गांव का नाम? रघुनाथपुर, रघुनाथपुर है। अभी हम पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा अच्छा लगता है भद्रक डिस्ट्रिक्ट में, आपको एज ए बैट्समैन, आपको एज ए ऑलराउंडर कौन अच्छा लगता है भद्रक डिस्ट्रिक्ट में? भद्रक से तो सबसे अच्छा ऑलराउंडर मेरे हिसाब से टीपू ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल चुका है। अभी तो फिलहाल मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मेरा पहले से ही, मतलब वो वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल चुका है। बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, मेरे हिसाब से तो अभी नंबर 1 में वही आएगा। तो आप जब पहले क्रिकेट खेलने के लिए गए थे तो सब सब लोग को लोगों को देख के थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता नहीं, ये है? बात मतलब आपने ठीक किया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट ड्यूज का खेल चुका हूँ। मतलब जिस टूर्नामेंट में 20,000 तक, 15,000 तक लोग है, वो टूर्नामेंट सब खेल चुका हूँ। टेनिस में इतना ज्यादा लोग नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मतलब 4-5 हजार का जो लोग होते हैं वो टूर्नामेंट भी, मतलब टेनिस का जैसे कि मान लो ऑल स्टार है, और भद्रक में ओड़ा, ये सब टूर्नामेंट में अच्छे लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं ड्यूज में जिस हिसाब से लोग खेल चुका हूँ, टेनिस में ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, इसीलिए मतलब नर्वस नहीं हूँ। और मतलब आप तो नहीं मानेंगे, मैं बताऊंगा कि ड्यूज प्लेयर का मतलब ऐसे एटीट्यूड होता है ना, जब आप रणजी प्लेयर को एक देखोगे सामने से, तब मतलब पता चल जाएगा वो प्लेयर के मतलब अगेंस्ट में मैं खेल चुका हूँ, तो मतलब वो मैच खेल चुका, इसीलिए थोड़ा नर्वस नहीं होता हूँ, जो भी मैच हो देखा जाएगा। लगन मुड़े क्वेश्चन भी, वर्तमान में ओडिशा रे हाइलाइट भी क्या लिया भुवनेश्वर रे स्टार छुई क्या लिया जबे आपण ताकू तांकू बॉलिंग रे फेस करिसंती, से बैटिंग कला बेले आपण जबे तांकू बॉलिंग रे फेस करिसंती एनी प्लेस? बोलिंग करथिले एई थरा, जिने 2टा जगारे मु तांकू बोलिंग करथिली, गोटे जगार आउट मध्ये करिछि, सेठी सीधा बॉल टूर्नामेंट होतला, सेटा आमे फाइनल मैच तांकर आमर होतला एठी कोरेई पाखरे जाजपुर रोड, बोधे से जगाडा ना कोन मने पड़ने ठीक से, सेठी नाइट मैच होतला, सेमाने आसतिले खेलिबाकू कोरेई पटु, आउ मु आमर एठी डेंजर 11 बोंद पटु खेलुतली। आमे से मैच जीतीथिलु, मु माने बोलिंग करथिली, 2 ओवर रे 8 रन 9 रन देइथिली, चुंगेड़े आउट करथिली, आकाश सिंह भी आउट करथिली से मैच रे। आउ गोटे जगारे चुंगेड़े को बॉल करिछे, सेठी आउट करिनी, किंतु से तो बहुत भलो बैट्समैन कहले ये हबनी, कारण तांको बैटिंग जे देखिबो, कारण मोर सहित मु निजे माने गोटे मैच रे देखिली कि आमर गोटे प्लेयर को से 47 रन गोटे ओवर रे मारली, जा भी हेले तमको टिके नर्वस लागिबो कि तांको बोलिंग करिया को, कारण से जेतु गोटे ओवर रे 47 मारी पारचंती, से भी जने भलो कटर आमर, माने देखिए गले भद्रक उपरे भलो कटर जने, ताकू 47 मारी पारछी, किछे भी माने बहुत भलो बैट्समैन छी।
तो अभी आप हमारे टीम के साथ हमारा भद्रक शायर क्रिकेट में जुड़े हैं इमेज में, और आपको इमेज का इस सीजन में आप आके जुड़े हैं, तो इमेज में आप लगभग कितना मैच खेल चुके हैं? 30 40 तक, 30 40 मैच खेल चुका हूँ, 40 40 तक मैच खेल चुका हूँ। चालीस और मतलब चालीस में कितना मैच हारे हैं और कितना जीते हैं? जीता हूँ, 7 8 टूर्नामेंट चैंपियन हुआ हूँ, और 2 3 टूर्नामेंट सेमीफाइनल हार गए। ऐसे करके मतलब ज्यादातर मतलब जो भी खेले चैंपियन ही हुए। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपके टीम के अगेंस्ट कोई स्टार, उनका कोई स्टार प्लेयर नहीं था, वो फिर भी जीत गया, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था, मतलब एक मैच हुआ था, एक नाइट मैच हुआ था। हम लोग मतलब सारे अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, और मतलब क्रिकेट में तो एक बात साफ है कि मतलब जितना भी बड़ा टीम ले लो, जिनका दिन चल रहा है वही जीतेगा। कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं, जिनका दिन अच्छा रहेगा वही जीतेगा। वही मैच में मतलब हम लोग हार गए थे एक नाइट मैच में। सारे मतलब जो लोकल प्लेयर खेल रहे थे, सब जो उसमें खेले हमको हरा दिए। उस मैच में हम सारे प्लेयर खेल रहे थे, इमरान भाई में सारे खेल रहे थे। आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ हेलो। हेलो, हाँ बोल। क्या आप थोड़ा सा बताएंगे क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे हार गया था? मतलब वो मैच में क्या हुआ कि हम लगातार 2 3 दिन से नाइट मैच खेल रहे थे, मैं और इमरान भाई, और डे में भी कंटिन्यू खेल रहे थे हम लोग। एक मतलब जाजपुर में एक टूर्नामेंट होता है LPL, वो टूर्नामेंट में हम लोग खेल के, मतलब वो एक बड़ा टूर्नामेंट है, ऑल स्टार की तरह है। वो टूर्नामेंट खेल के हम लोग का उसी दिन रात को मैच था। मतलब पिछले 2 दिन भी नाइट और डे खेल चुके थे, फिर उसी दिन में बड़ा टूर्नामेंट खेल के गया। बड़ा एनर्जी नहीं आया, मतलब बॉल ठीक से नहीं डाल पाए, और मतलब मेरे बारे में जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम, मतलब खाली नींद आ रहा था। और इमरान भाई के साथ वही होगा शायद, इसीलिए मतलब वो भी रन नहीं बनाए, मैं भी रन नहीं बनाया। सारे प्लेयर मतलब लग रहे थे कि आज उनके खेलने का मन नहीं है, इसीलिए मतलब फिर मतलब सेकेंड इनिंग्स में जब हम लोगों ने सोचा कि हमको ये मतलब ये टीम हरा देगा, तब थोड़ा एफर्ट दिए, लेकिन फिर भी मतलब हार गए हम लोग। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, କୋଉ ଆଶା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି କି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ହବ କି ନ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ନାଇଁ, ଘରେ ମୋର ଯିଏ ଜେଜେ ହେବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖେଳିବାକୁ ମାନେ ବାହାରେ, ମତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି କି ତୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁ ନବୁ, ଆଉ ଯେବେ ବି ମାନେ ତୋର ମାନେ ହାରିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନବୁ, ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ। ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଲିଭ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିବି, ଆମେ ହାରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଉ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ବି ଜେଜେଙ୍କୁ କହେ, ଜେଜେ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ତମେ କହିଥିଲ, ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି, ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲୁ। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ଘରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତି, ହଁ ଯିବୁ ଆଜି ଖେଳିବୁ। आप जब टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज होते हैं, जब कप लेके घर पे आते हैं, तो आपका मम्मी कितना खुश होते हैं? मम्मी तो ये सब मतलब पापा बहुत खुश होते, लेकिन और घर में मतलब मैं पहले जाके मेरा जो दादाजी है उनको सारे कप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मतलब घर में जो पापा आते हैं ये होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन मम्मी को ये खेल वेल के बारे में कुछ पता नहीं है, वो क्या मतलब वो सोच रहे खेल रहा है, क्या कर रहा है कुछ।
अभी आप तो में आके इमेज में खेलते हैं, और दूसरा कहीं भी आके जैसे जासपुर के बाद कोटक, आपका चंडीखोल, उधर आप जो खेल होता है उस साइड में जाते हैं खेलने के लिए, हाँ उस साइड जुड़े मतलब वो हैं इस थोड़ा मतलब। मतलब में ही ज्यादा खेला भद्रक कालेश्वर, और जाजपुर में मतलब मेरे घर के पास में जो टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट सब खेला। जब ड्यूज खेलने जाता था तब मतलब सारे खेल चुका हूँ, मतलब पुरी हो, कटक हो, जगतसिंहपुर हो, केंद्रपाड़ा हो, ढेंकानाल हो, सारे बालेश्वर हो, क्यूंझर हो, सारे मतलब खेल चुका था ड्यूज का टूर्नामेंट जब खेल रहा था। और टेनिस तो मुझे हाँ हेलो ले मेरा में, और टेनिस में भी गया हूँ बहुत। क्या बोले मैंने क्या टेनिस में भी गया हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब 7-8 डिस्ट्रिक्ट गया खेलने के लिए, जितने भी लाइट मतलब पास में जाजपुर के पास। आवाज लगन। एक बात बताओ हमें, तो जितना भी आप कटर खेले हैं, चाहे वो भुवनेश्वर हो, केंद्रापड़ा हो, जगतसिंहपुर हो, भद्रक हो, पुरी हो, और हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि सुनने में आया है ज्यादातर पूरे ही कटर अच्छा ज्यादा डालते हैं, कटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कटर अच्छा डालते हैं। हाँ ये तो ठीक है, मतलब वहीं से तो मतलब जाजपुर, जाजपुर के बाद कहें तो वहीं से कटर स्टार्ट हुआ। मैं तो मतलब बता सकता हूँ, एक मैच याद है मुझे, जब मतलब उस टाइम खाली सीधा चल रहा था, 4-5 साल के पहले का बात बता रहा हूँ, उस टाइम खाली सीधा चल रहा था। सीधा में उस टाइम मैं अच्छा बैटिंग कर रहा था, मतलब मैं जो टीम में गया था उनमें 7-8 प्लेयर ऐसे है जो मतलब सारे अच्छे सीधा बॉल को बैटिंग कर रहे थे, और इन कटर को भी खेल लेते हैं कुछ कुछ। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब 15 ओवर का मैच था, मैंने सारे मतलब पहला बॉलिंग हमारा था, सारे बॉलर अच्छे बॉलिंग किए, हम लोग 15 ओवर में 51 रन बनाए, 51 रन बनाए, और हम लोगों ने हमारा मतलब जो को ओनर है वो मतलब बोल दिए कि जाओ 5-6 ओवर में खत्म करके आ जाओ। हम लोग मतलब उस टाइम में सीधे में बहुत अच्छे खेल रहे थे, फिर हम लोग ने मतलब 2 बैट्समैन गए, वो जब मतलब मैंने जो बोल रहा हूँ कि नया कटर जब मैंने देखा, वो एक बॉलर आया मतलब बॉल डाला, और स्लिप में 5 बंदे खड़े थे, पहले वो मतलब बॉल डाला फिर स्लिप के पास जाता है, सारे बैट्समैन जा रहे हैं और बॉल वही स्लिप, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली वहीं पर बॉल जा रहा है। मैंने गया 5-6 नंबर में गया, मैं मतलब लेफ्टी था थोड़ा, मतलब वो आउट कटर अच्छे डाल रहे थे, मैं लेफ्टी था तो मैं हाई स्कोर बनाया 12 रन, हम लोग का टीम ए, 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 31 में ऑल आउट हो गए। वहीं से मतलब जाना कि कटर एक ऐसा चीज है, मतलब तो मैं भी आपको वो मैच में रन आउट हो गया। तो नहीं, उधर जब आप क्रीज में खड़ा होता है तो सोच रहा पड़ता साला ये क्या डाल मुझे क्या रहा है, इधर उधर से निकल रहा है, क्या रहा है। इन डाले, इन कटर डाला, मैं खेल लिया, मतलब ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा था। मैं उस टाइम मतलब इन कटर को खेल लेता था, लेकिन वो राइटी बैट्समैन इतना मतलब मुश्किल में खाते थे, खाली बॉल डालते और स्लिप और फास्ट स्लिप में बॉल आता था, जाता था, बैट लगता था फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप में बॉल जाता था, जो भी मतलब बैट्समैन गया वो मैच हार गए, मतलब 31 रन बनाए टोटल। तो तो इस बाद में आपको मैच जाके डिस्कस टीम में कि में भाई वो क्या डाल रहा था। क्या मतलब खत्म हो गया, मतलब वहीं से सीधा घर, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब हमारी इज्जत तो पूरा डूब गया था, क्योंकि हम लोग सारे अच्छे प्लेयर थे, फिर भी मतलब 31 रन पे ऑल आउट हो गए, आ गए थे। फिर धीरे धीरे करके कटर सारे जो बच्चे एक टूर्नामेंट में मतलब मैंने जब गया एक एक कटर को देखा, फिर उसके बाद अपना गांव में भी हो गए कटर, फिर खेल के अभी तो देखे सारे गांव में 3-4 कटर होंगे, जितना भी हाँ मतलब गांव ले लो सारे गांव में 2-3 कटर होंगे जो कटर डाल रहे होंगे।
आप तो पहले सीधा डाल रहे थे, अभी नहीं, कॉटन कहाँ से? मैं मतलब पहले जब डाल रहा था सीधा ही डाल रहा था, सीधा बहुत तेज डाल रहा था। फिर मतलब मैंने इनकटर थोड़ा सीखा था, अपने आप सीखा था इनकटर। फिर मैंने जब एक मैच में देखा, बबलू खान को देखा, वो कैसे बॉल पकड़ता है, मैंने देखा कि वो मतलब दोनों उंगली में उल्टा घुमा रहा है, इनकटर को इस तरफ घुमा रहे हैं, आउटकटर ऐसे। मैं मतलब बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब 1 साल तक प्रैक्टिस किया। मेरा टर्न ज्यादा नहीं होता था, फिर भी मतलब मैंने प्रैक्टिस किया। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैच में मैं ये बॉल डाल सकता हूँ या नहीं। जो है ना, मतलब वो डर के मारे में मैच में नहीं डाल रहा था। हम लोग आप दिखा दे रहे हैं। हेलो, हेलो। आप लोग नहीं दिखाई दे रहे। रहा हाँ, आवाज आ रहा है, लेकिन आप लोग का मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। है ना? तो इस तरह आपका कटर सुनता है। कटर डालने के लिए आपको 1 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ा। हाँ, 1 साल तक। फिर भी मतलब मैच में डालने के लिए डर लगता था कि आउट स्विंग डालू या नहीं डालू। जब मतलब मैंने इमेज में खेला, तब मतलब सारे हम लोग का अच्छे प्लेयर थे, तभी से मतलब मैंने स्टार्ट किया मैच में लेग कटर डालने। तभी से मतलब हाँ वो आ गया, मतलब पहले पहले तो मतलब जगह कटर जो है ना, वो जगह में नहीं पड़ता है, पीछे पड़ जाता है, आगे पड़ जाता है और फुल टॉस चला जाता है। हाँ फिर जब निकाले उस जब आप लोग अच्छे टीम में खेलोगे ना, तो आप लोग सारे जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो सक्सेस ही होगा। बाद में वही मैं पूछ रहा था कि पहले पहले जो आप कटर डाल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जीतने वाले मैच को उनके हाथ में थमा दिए, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैं मतलब जीतने वाले मैच में ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं करता हूँ। मतलब मुझे जो आता है, जो जिसके ऊपर मैं मतलब स्पेशलिस्ट हूँ, इनकटर सीधा वही डालता हूँ। मतलब जो नया नया सीखा वो मैच के ऊपर कभी कभी ट्राई नहीं करता। कभी होता ना, नया नया जाके कटर से डालने के चक्कर में। और मतलब जो पूरा मतलब लगता है कि हाँ हम लोग अभी से जीत जाएंगे, मतलब बहुत रन बाकी है, तभी मैं ट्राई कर लेता हूँ। और मतलब मैंने इमेज में ट्राई करा, मतलब पहले से ही ट्राई करा, लेकिन वो अच्छा टीम है ना, मतलब मैं अगर मार खा लेता हूँ ना, मैं यही सोचता हूँ कि मैं अगर मार खा लेता हूँ, कोई दूसरा बॉलर मतलब मेरे को बैकअप दे ले। लड़न जदि आमो आंचलिक स्तरे एको हाई वोल्टेज मैच होची, जदि आमो इमेज एग्नेस्ट रे सपोज कमांडो 11 पड़ी गला, तो आपण सही मैच कि बोली भाबरे खेलिबे कि आमो दर्शक मानु को कहबे? ସେଟା ତ ଖେଳ ମୁଁ କହିବି, ଖେଳ ଏବେ ତ ପଡ଼ିନି, ସେଟା ପଡ଼ିଲେ ଖେଳ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ପଡି ସପୋଜ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ପଡିଲା, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ ପଡିଲା କମାଣ୍ଡ 11 ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ ଭାବୁଛ ଆପଣ? ଖେଳ ଦେଖ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେହି କେବେ ଜାଣିନଥାଏ କି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେବି କି ଏତିକି ରନ୍ ମାରିବି। ସମସ୍ତେ ନିଜର 100% ଦେବେ, ତାପରେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, କଣ କଲା କଣ ନାହିଁ। इसीलिए तो बोलते हैं क्रिकेट को लास्ट एंड तक देखो, क्या होगा कब होगा कुछ पता नहीं चलेगा। वो भी हमने खेले के अनिश्चित खेले, कहीं पे भी मोड़ जा सकता। आप तो सूर्य जी कहते हैं अपोजिट में खेले होंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप तो भद्रक टीम जो ड्यूज खेलता है ना सूर्य सिंह का, अपोजिट में खेले होंगे, उसके अपोजिट में आप।
उनका जो मतलब ओनर है सूर्य सिक्का का, बढ़िया भाई, उनके साथ भी खेला हूँ 2-3 मैच, वही भद्रक में भी खेला हूँ, और ऐसे कुछ करके 2-3 मैच उनके साथ में खेला हूँ, उनके अगेंस्ट में भी खेला हूँ। सूर्य से क्या मैं आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा प्लेयर अच्छा लगता? उनका एक बैट्समैन है, कौन नाम है, वो भी टेनिस खेलता है, उसका सरोज नाम का एक है, वो खेलता है अच्छा। और मैं जब गया था उनके साथ खेलने के लिए, तो हम लोग मतलब यहाँ पर अभिलाष भाई, अंशुमान भाई और मैं, उनका एक खेलता था शुभम नायक, शुभम नायक खेलता था उनका कैप्टन। हेलो। चाहते हैं कि और क्या उसका निक नेम गुड्डू है। हाँ, गुड्डू 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 खेलता है, और अमित एक, उस टाइम मतलब मैं जिस टाइम गया था खेलने के लिए, अमित एक अच्छा पेस बॉलिंग करता है, और कौन है, शुभम नायक खेलता है। हाँ शुभम नायक, हाँ, और पुराना प्लेयर भी अटल है, वो रणजी भी खेल चुके पुराना हैं। प्लेयर तो मैं थोड़ा नहीं पहचानता हूँ, पुराना प्लेयर मैं जब गया था सब मतलब खेल रहे थे, जिनको सारे बच्चे तो याद नहीं है, 2-3 प्लेयर को जानता हूँ उनके बीच में। अभी तो क्रिकेट का सीजन नहीं है, आप बहुत कम प्रैक्टिस करते होंगे। नहीं, प्रैक्टिस तो चल रहा है, लेकिन टेनिस तो ज्यादा, टेनिस का खेल सुबह नहीं होता है, सुबह यहाँ मतलब ड्यूज खेल लेते हैं हम लोग, सिंथेटिक बॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टेनिस मतलब हो रहा था 1 महीने पहले, मतलब उस टाइम मतलब जिस टाइम बारिश नहीं हो रहा था उस टाइम हो रहा था, तभी मतलब 2-3 महीने के लिए मतलब पूरा खेल रहे थे टेनिस, अभी थोड़ा बारिश गैप हो गया है, अभी मैच जा रहे हैं। के वजह से वो बाहर वो मिट्टी का ऊपर पानी जम गया होगा, और टेनिस बॉल में तकलीफ होता है, टेनिस, ड्यूज में नेट में ही खेलते हैं। ड्यूज का कंक्रीट विकेट है, वहां खेलते हैं। अभी जो बोल रहे थे आपका, क्या एज ए बैट्समैन आपको कंडोरी पसंद है? वो कभी आपका ऑपोजिट में खेले हैं, कंडोरी का ऑपोजिट में? बहुत बार तो मतलब वो खेला है, आउट कितने बार आप उनको किए हैं? आउट भी 2-3 बार किया हूँ और छक्के भी खाया हूँ, मतलब वो ऐसा बहुत अच्छा। ऐसा हुआ है कभी वो मार के आपको बैठा दिया है, बाद में आपको आपका जो टीम कैप्टन है बोलिंग नहीं दे रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, जो वो जब मतलब मेरा अगेंस्ट में खेलता है तो हमें अच्छा बॉलिंग कर लेता हूँ, कभी मतलब ज्यादा नहीं, एक छक्का छक्का, लेकिन ज्यादा नहीं खेला। ये साल के एक मैच हुआ था, धुसुरी, धुसुरी पे हुआ था, हम लोग गए थे 5-6 आदमी खेलने के लिए, टीपू में कड़िया मल्लिक ये सब गए थे, और उन लोग की तरफ से कंट्री और उंगा की बबलू सब आए थे, मतलब पूरा 11 के 11 अच्छे प्लेयर है, हम लोग उनको 31 रन में ऑल आउट कर दिए थे, मैंने 5 विकेट लिए थे वही मैच में, कंट्री को भी मैंने आउट किया था। ठीक है, लाडन भाई आपण तो एबे खेळर टाइम हे गेलानी बोधे। खेळ टाइम हे गेलानी बोधे। हाँ, आसीबे पिल्ला। अभी तो 4:11 हेलाणी एबे। ठीक अछि, आम पाखरे टाइम रो मूल्य बहुत मानने समय रो मूल्य बहुत कम अछि, तो आपण आमको सेतेबेळे भी बहुत टाइम देतले, तो बेडलॉक आमर अधारू माने लाइट टी कटि जाइतिला, तो आमे आपनको सहित बेसी समय टाइम नबा को चाहू, तो आमे एंडिंग वीडियो टी को एंड करबा पूर्वरु फर्स्ट आपे आपनको किछि क्वेश्चन करबो, तापर वीडियो टी को एंड करबो। लडन हेलो, हाँ, हेलो, कौन सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं ना लडन?
हेलो, बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? आपका थोड़ा सा नेटवर्क सुनाई इशू हो रहा है, वो बकवास है। नेटवर्क। आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हम और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और पहले आप बहुत आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम और हम लोगों को दे चुके हैं, इस बार हमारा रिक्वेस्ट पे आप हमको बहुत ज्यादा टाइम दे, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपका। और अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, वो क्रिकेट के ऊपर ही होगा। अच्छा ठीक आप रेडी हैं? आपण तो सेतेबेले भी कहिथिले आईपीएल, आईपीएल रे आपणकर फेवरेट टीम हैला आरसीबी, जो कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो मुझे आईपीएल ऊपर नहीं गुटे क्वेश्चन करबी कि हमर आईपीएल रे एमिति को टीम जे कि प्रथम आईपीएल चैंपियन होइथिले। प्रथम आईपीएल डेक्कन चार्जर। करेक्ट आंसर। सेटिफाई आप सेकंड क्वेश्चन है ला कि न्यूजीलैंड इंडिया, न्यूजीलैंड इंडिया जो वर्ल्ड कप खेला है ला, सेटा को माने को बसे रही थी ला, क्योंकि न्यूजीलैंड फाइनल सेटा आमर 2019। आंसर। थर्ड क्वेश्चन हैला कि इंग्लैंड रे 2021 रे फर्स्ट सीरीज जीती थिला इंडिया, हमरो वनडे सीरीज जीती थिला इंडिया, तो सेकंड सीरीज हारी थिला इंडिया जोटा T20 रे, सेटा को जगह रे। ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ T20 ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରୁ ହାରିଥିଲା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଜାଗାର କୋଉ ପ୍ଲେସ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ଏଟା କୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ଲେସ ରେ କହୁ। ପରେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଅଭି ଫିଲହାଲ हम आपसे विदा लेंगे, तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हम लोग दिए, इसीलिए हम आपका बहुत सारा आभारी हैं। और पहले जो आपके टाइम के वेस्ट कर लिए हम लोग, इसीलिए आपको बहुत सारा सॉरी। आप भद्रक स्टार क्रिकेट चैनल रे जोग देते एवं ढेर मानने बहुत समय आम सहित कटे, तो से अशेष अशेष धन्यवाद। मुझे आशा रखुच्छी भगवान पाखे प्रार्थना करमी क्रिकेट खेल चलतु, आगो ढेर सारा ना करी चलतु, एति मोर ठाकुर पाखरे प्रार्थना। और आप ऐसे ही सफलता मिले आपको, और हम कामना करते, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ଆପଣ ଲାଇଭରୁ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି କି ଖେଳିବାର ବି ଟାଇମ ହେଲାଣି, ତ ଢେର ସାରା ଟାଇମ ବି ଆମକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣ ଏବେ ଆରାମସେ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, କହିବେ କ୍ରିକେଟ ହ୍ୟାଲୋ। ଚ୍ୟାନେଲ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯିଏ ବି ମାନେ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆମର ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଲାଡେନ ଆମ ସହିତ ଢେର ସାରା ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ତାଙ୍କ ଖେଳର ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ ଘଣ୍ଟେ
घंटा टाइम देखले कि आमर किछ यांत्रिक त्रुटि हेतु आमर लाइफ के अधार घटि जाइतला सो सेति पे आमे क्षमा प्रार्थना करछु आपन पाखरे तो जा हो अभी तो आज तो आपन माने लाडेन के विषय रे ढेर सारा किछ जानिले कि ताको खेल विषय रे से किबेली खेल स्टार्ट करथले को माने केमिति ताको करियर बनेथले आपन माने सब तो लाइफ रे देखिले तो एटा आउ गुरेते रिक्वेस्ट करछि आपण भद्रक स्टार क्रिकेटर चैनल को सपोर्ट करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्ये करंतु आ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपण को पाखो को आपे आपे दिबो तो मु एती कोइ रखु छी आसंता शुक्रवार एई लाइव रे दिन 12 टा रे आमे साक्षात करबा मिस्टर विकी खान विकी खान को सहित आमे ढेर सारा मजा मस्ती एवं गपशप भी मध्ये होबा आ इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आपको और आपके फ्रेंड को आप जो लोग देख रहे हैं और प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो नोटिफिकेशन ऑन करो सारे वीडियो देखो और उसके साथ बहुत सारा क्रिकेट मजा लो और क्रिकेट टिप्स भी जानो इसके साथ हम लाइव को एंड करते हैं। नमस्कार बाय बाय।